आज के दिन भर शेयर बाजार में कैसी रही हलचल, सेंसेक्स और निफ्टी का क्या रहा हाल, सोने चांदी का क्या रहा भाव, घरेलू संस्थागत निवेशकों का अब तक का सबसे बड़ा निवेश, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दिखी जोरदार तेजी, आखिर क्या है जोमैटो का नया फीचर फूड रेस्क्यू, मारुति की पहली कार जिसे मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। आज शुरुआत में बड़ी गिरावट के साथ खुला भारतीय शेयर बाजार, दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद फ्लैट बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार 11 नवंबर को घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक फ्लैट बंद हुए। आज बीएसई सेंसेक्स 9.83 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 79,496.15 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 6.90 अंक लुढ़ककर 24,141.30 के लेवल पर बंद हुआ। आज बीएसई सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी दिखी, जबकि एनएसई निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 19 में तेजी रही, जबकि एक कंपनी का शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। आज आईटी कंपनियों के शेयर में बढ़ोतरी रही। आज एचसीएल टेक, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाइटन के शेयर्स टॉप गेनर्स में शामिल हुए। अब बात सराफा बाजार की। भारतीय सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की चमक बरकरार है। सोमवार 11 नवंबर को 24 कैरेट गोल्ड वापसी करके 78,760 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड 72,200 रुपए के आसपास है। वहीं आज चांदी की कीमत भी 93,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब है। अब बात व्यापार जगत की कुछ अन्य खबरों की। इस वर्ष घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIS ने भारतीय शेयर बाजार में अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो किसी भी कैलेंडर वर्ष में उनका अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इस निवेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली के बावजूद बाजार को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। एक्सपर्ट की माने तो वर्ष 2024 के बाकी समय में भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार बरकरार रहने की संभावना है, जिसे घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने 94,017 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि DIIS ने 98,400 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीद की। एक्सपर्ट का मानना है कि यदि DIIS ने खरीदारी न की होती तो भारतीय शेयर बाजार में गहरी गिरावट दिख सकती थी। वही अमेरिका के चुनाव परिणामों के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डिजिटल असेट्स को बढ़ावा देने के संकेत देने के बाद बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए $80,092 के स्तर को पार किया। ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान अमेरिका को डिजिटल असेट्स का केंद्र बनाने की बात की थी और बिटकॉइन के लिए एक स्ट्रेटेजिक भंडार बनाने का ऐलान किया था। इस कारण उम्मीद जताई जा रही है कि वे राष्ट्रपति बनने के बाद क्रिप्टो करेंसी को वैध करार देने के लिए कदम उठा सकते हैं। साल 2024 में बिटकॉइन ने अब तक 91% की बढ़त हासिल की है और इसके पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और बढ़ती निवेश मांग का बड़ा हाथ है। इसके अलावा फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इससे खाने की बर्बादी को कम किया जा सकेगा। जोमैटो के CEO दीपेंदर गोयल ने एक नया फीचर फूड रेस्क्यू पेश किया। इस फीचर के तहत अब ग्राहक कैंसिल किए गए ऑर्डर को कम कीमत में खरीद सकते हैं। कंपनी का कहना है कि अक्सर कुछ ऑर्डर्स यूजर्स द्वारा कैंसिल कर दिए जाते हैं, जिनके कारण खाना बर्बाद होता है। अब फूड रेस्क्यू फीचर के तहत कैंसिल हुए ऑर्डर उन ग्राहकों को 3 किलोमीटर के दायरे में शो होंगे जो उन्हें कम कीमत पर खरीद सकते हैं। दीपेंदर गोयल ने एक्स पर इस फीचर की जानकारी दी और बताया कि नो रिफंड पॉलिसी के बावजूद लगभग 4 लाख ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, जिससे काफी खाना बर्बाद होता है। इन नए फीचर्स के जरिए अब ये भोजन उन ग्राहकों तक पहुंचेगा जो इसे कम कीमत में स्वीकार कर सकते हैं और इस तरह से खाने की बर्बादी रोकी जाएगी। वहीं अपनी कारों की भारी बिक्री के लिए जानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को अक्सर अपनी कारों की सुरक्षा को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब मारुति की नई डिजायर 4th जनरेशन मॉडल ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करके
अपनी सुरक्षा का प्रमाण दिया है। ये मारुति की पहली कार है जिसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि पहले मारुति ब्रिजा को 4 स्टार रेटिंग मिली थी। नई डिजायर का सीधा मुकाबला टाटा टिगोर, हुंडई ऑरा, होंडा अमेज जैसी कारों से है। इसके एडल्ट सेफ्टी स्कोर में 34 में से 31.24 अंक मिले, जबकि चाइल्ड सेफ्टी में इसे 49 में से 39.20 अंक मिले। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS और EBD जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आज 11 नवंबर को इसकी बुकिंग और बिक्री शुरू हो गई। मारुति सुजुकी ने अपनी नई जनरेशन डिजायर को 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इस कार की शुरुआती कीमत 6.79 लाख रुपए रखी गई है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए तक जा सकती है।